चलिए आज हम देखेंगे कुछ डिजीज़ और उस डिजीज़ में कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं वो, तो डिजीज़ एंड रिलेटेड वैक्सीन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले देखते हैं वैक्सीन क्या होता है। अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखिए, समझाता हूँ मैं अच्छे से इसको। वैक्सीन एक लेबोरेटरी मेथड से बनाया गया एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, किससे? पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज से, जैसे कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सिमिलर वायरस का यूज़ करके हम एक वैक्सीन तैयार करते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस के प्रति स्ट्रांग होता है, या कह सकते हैं उसको इन्वेड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैक्सीन। अब वो वैक्सीन होता क्या है? अ वैक्सीन इज़ द सब्सटेंस दैट हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। उस पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन होता है। तो कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस के लिए अलग वैक्सीन होगा। एचआईवी है तो एचआईवी के लिए, हालांकि बना नहीं है लेकिन एचआईवी के लिए अगर वैक्सीन देखें तो अलग वैक्सीन होगा। हर एक वायरस के लिए अपना अपना अलग अलग वैक्सीन होता है। हाँ, कुछ वैक्सीन्स है जो कि कॉमनली काम करता है, बट इंडिविजुअल डिजीज़ के लिए इंडिविजुअल वैक्सीन होता है। अब वैक्सीन में ऐसा क्या होता है कि जो वो डिजीज़ को रोकता है या उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को या सब्सटेंस को रोकता है बॉडी में इंटर होने से या उसको ग्रो होने से बॉडी के अंदर, तो कुछ होता नहीं है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे डिजीज़ में काउज क्रिएट करते हैं, उसी का वीकेंड वर्जन होता है या डेड वर्जन। या तो उसको मार के बॉडी के अंदर डाल देते हैं या उसका कमज़ोर, उसको कमज़ोर करके ताकि वो डिजीज़ काउज न कर पाए शरीर में, और जैसे ही बाहर बाहरी वातावरण से कोई इन्फेक्शन आपको बॉडी के अंदर जाना चाहे तो वो पहचान ले और उसको किल कर ले। ठीक है, तो वैक्सीन, इट हेल्प योर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द लिविंग। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि वैक्सीन का काम होता है कि जैसे ही माइक्रोब्स या सब्सटेंस बॉडी में आए उसको पहचान ले और उसको किल कर ले ताकि नेक्स्ट डिजीज ना हो पाए। अब देखते हैं डिजीज और उसके रिलेटेड वायरस। हमने यहाँ पे तीन चार्ट में तीन लाइन बनाया है, जिसमें फर्स्ट में ऑर्गेनिज्म रखा है, दूसरे में डिजीज़ का नाम रखा है और तीसरे में कौन सा वैक्सीन देते हैं ये रखा है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से होता है और इसके लिए बीसीजी वैक्सीन देते हैं। और दूसरा है डिप्थेरिया, ये भी बैक्टीरिया से होता है और इसके लिए जो वैक्सीन देते हैं DTaP। टिटनस, ये भी बैक्टीरिया से होता है और इसके लिए जो वैक्सीन देते हैं DTaP। बैक्टीरिया, वोपिंग कफ बैक्टीरिया से होता है, इसके लिए भी सेम वैक्सीन DTaP। कोलेरा, ये भी बैक्टीरिया से होता है और इसके लिए जो वैक्सीन दिया जाता है बैक्सकोरा, उसका नाम है। टाइफाइड, दो वैक्सीन दिया जाता है, TY21A और BICPS, ये भी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है निमोनिया,
ए भी बैक्टीरिया से होता है, और इसके लिए दो वैक्सीन प्रिपेयर किया गया है, PCV13 और PPSB23। डायरिया ये प्रोटोजोअन से होता है, और इसके लिए जो वैक्सीन दिया जाता है रोटिक्स कहलाता है। डेंगू फीवर, हालांकि डेंगू फीवर के लिए वैक्सीन बना है बट ये बहुत एक्टिव नहीं है, इसका भी नाम रोटिक्स है लेकिन ये कम्प्लीटली वर्क नहीं करता है। पोलियो, पोलियो ये भी वायरस से होता है, और IPB और OPB वैक्सीन दिया जाता है इसमें। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है, और इसके लिए वेरिसेला नाम का वैक्सीन दिया जाता है। मिसेलिस इसके लिए जो ये भी वायरस से होता है, और इसके लिए जो वैक्सीन दिया जाता है MMR नाम का वैक्सीन दिया जाता है। रुबेला ये भी वायरस से होता है, और इसके लिए भी वैक्सीन जो दिया जाता है MMR ही दिया जाता है। रेबीज, रेबीज भी वायरस से होता है, और इसके लिए जो वैक्सीन दिया जाता है वो है HDCV एंड PCEC। हर्पीस ये भी वायरस से होता है, और इसके लिए जो वैक्सीन तैयार किया गया है या दिया जाता है HSV529। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।